हेलो फ्रेंड्स, मैं टिकी सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ स्टे विथ रिका हिंदी में। मैं फैशन ट्रैवल इंस्पिरेशन वीडियो बनाती हूँ। अगर आपको ऐसे टॉपिक अच्छे लगते हैं तो जल्द से जल्द स्टे विथ रिका को हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है tiki.kargi। वहाँ पे मैं रोज़ कुछ ना कुछ अपडेट देती रहती हूँ और साथ ही साथ कब यूट्यूब में वीडियो अपलोड करूँ वहाँ पे मैं अपडेट करती रहती हूँ। तो वहाँ पे एक फैमिली जैसा बॉन्ड रहता है तो अच्छा लगता है। तो वहाँ पे मुझे जल्द से जल्द फॉलो कर लेना, मेरा आईडी है tiki.kargi। तो हमें सबको पता है कि एर्ली टू बेड एर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। यह हम नर्सरी से पढ़ के आए हैं कि अगर हम रात में जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं सुबह तो हमारा डे प्रोडक्टिविटी जाता है और बहुत टाइम मिलता है हमें सब सारे चीज़ अच्छे करने के लिए। ऐसा अच्छे हम रूटीन बना सकते हैं, प्लान कर सकते हैं डे का। और ऐसा भी होता है कि सुबह उठने से सब कहते हैं, मम्मी पापा हो, टीचर हो, सब कहते हैं कि जल्दी सुबह उठो, वहाँ पर काम रहता है, तुम्हें हर चीज़ करने को तुम्हें पॉजिटिविटी आएगा। बट एक्चुअली हम से बहुत लोग हैं कि हम कर नहीं पाते हैं, जल्दी जल्दी सो के जल्दी उठ नहीं पाते हैं। इधर हम लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, नहीं तो लेट सो के जल्दी उठते हैं, नहीं तो ऐसे करते हैं। इरेगुलर बेसिस में हमारा पूरा सारा दिन जाता है और रात में भी हम इतना टॉर्न सोने का इतना कम कर देते हैं कि हमारा हेल्थ भी उसमें बहुत इफ़ेक्ट होता है। तो आज मॉर्निंग हैबिट्स फॉर ए सक्सेसफुल लाइफ। तो अगर हम मॉर्निंग में सुबह उठते हैं, जल्दी सो के जल्दी उठते हैं और कुछ वहाँ पे हैबिट्स हम बनाते हैं तो हमारा लाइफ कैसे सक्सेसफुल होता है उसके बारे में ये वीडियो मैं बताऊँगी। एक्चुअली फास्ट जो है सबसे अच्छा पॉइंट है, हमारा पॉजिटिविटी वहाँ पे बढ़ जाता है। देखिए सुबह जो टाइम होता है वो सारे लोग सोए रहते हैं तो वहाँ पे एक पीस एटमोसफियर होता है। हमें उस टाइम में अगर हम कुछ पढ़ते हैं या कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे जो करने का जो पीस और कामनेस होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए हमारे अंदर अच्छा भी लगता है। वो ज़्यादा हमें पीसली कंसंट्रेट करके हम कर पाते हैं। एक तो होता है हमारा पॉजिटिविटी, फिर हमें अगर जल्दी उठते हैं तो हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलता है हमारा डे को अरेंज करने में। जैसे कि आप अगर सुबह उठते हो जल्दी तो आप अपना डे को प्लान कर सकते हो कि मुझे इतने टाइम एक्सरसाइज करना है, इतने टाइम मुझे ऑफिस के लिए प्रिपेयर होना है या स्कूल के लिए प्रिपेयर या कॉलेज के लिए प्रिपेयर होना है। फिर डे में आप ठीक से प्लानिंग करके आपका दिन शुरू कर सकते हो, नहीं तो जैसे लेट उठते हो तो जल्दी जल्दी में सारा काम करके कुछ मिस हो जाता है, कुछ नहीं हो पाता, इस तरह से जाता है। थर्ड होता है आप एक्सरसाइज करने के लिए टाइम मिलता है आपको। रियली सबको पता है कि आज के डेट में सब एक्सरसाइज करते हैं और सब एक्सरसाइज करना भी चाहिए, वो हमारे बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है और हमें हेल्दी भी रखता है। तो अगर हम मॉर्निंग में थोड़ा सा टाइम निकल के जल्दी उठते हैं तो हम अच्छे से एक्सरसाइज कर पाते हैं और अपने आप को हेल्दी रख पाते हैं। और थर्ड है हमारा वहाँ पर एक प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है। जैसे कि आप सुबह उठते हो, आप उसको वेस्ट मत करना, सुबह उठ के ही आप अपना डे को प्लान करना, प्लान करके कुछ ना कुछ आप गोल सेट करो कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है। उसके लिए गोल सेट करके उसके लिए कुछ करना पड़ता है प्रैक्टिकली, तो उसके लिए रोज़ कुछ ना कुछ करो। अगर आप स्टूडेंट हो, आपका गोल होगा कि आपके एग्जामिनेशन में कैसे अच्छा करोगे। अगर आप जॉब करते हो तो आपका होगा कुछ जॉब में टारगेट होगा, तो आप उसी टाइम में प्रैक्टिस करो रोज़ कि आप अपने जहाँ पे भी हो, या अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो तो एक्सरसाइज के लिए कुछ गोल होगा, आप कितने स्लिम रहोगे या कुछ अपना फिटनेस बढ़ाओगे, तो आप एक गोल सेट करो, उस गोल के हिसाब से आप सुबह का टाइम को यूज़ करो, आपको उसमें बहुत बेनिफिट हो। तो अगर हम सुबह उठते हैं जल्दी तो अपने लिए ब्रेकफास्ट भी बना सकते हैं, एक हेल्दी ब्रेकफास्ट, ना कि हम बाहर से कुछ खाएं। हम अपने लिए टाइम होगा
ऑफिस के लिए हो या टिफिन स्कूल के लिए पैक करना हो, अपने लिए हम कुछ हेल्दियर बना के पैक करके ले जा सकते हैं और बाहर खा सकते हैं। बाहर के खाने के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। और सबसे ज़्यादा है हमारा जो स्लीपिंग, रात रात से लेकर सुबह तक वो स्लीपिंग आवर हमारा बढ़ जाएगा, जो कि हमें हमारा बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे तो स्लीपिंग आवर जो होता है वो बहुत बढ़ जाएगा हमारा। जैसे कि हमारा 6 और 7 नहीं तो 8 इतने में हमें सो के उठना चाहिए आवर्स में। तो हमारा उतना अगर रहेगा तो हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर हम जैसे सुबह अगर उठते हैं तो ऐसे कहा जाता है कि सुबह के टाइम में अगर हम पढ़ाई करते हैं वहाँ पे हमारा सारा याद में रह जाता है। तो सुबह अगर बच्चे होमवर्क कर लेते हैं तो उनको 4 बजे शाम के टाइम में खेलने को अम्पल टाइम मिलेगा, वहाँ पे 4 बजे वो खेल सकते हैं। और सुबह उठ के अगर आप मेडिटेशन करना चाहो, ये सबसे बहुत अच्छी बात है। आज सब जानते हैं कि मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। आप अगर सच में पहले बैठ नहीं पाते हो, पहले आपको लगता है कि इतना टाइम बैठना एक जगह में आपको डिफ़िकल्ट है, तो आप 1 मिनट से शुरू करो, नहीं तो आप इतने 1 सेकंड से शुरू करो, देखना आपका जल्द से जल्द हैबिट्स बढ़ेगा, आप ज़्यादा देर भी बैठ के कर पाओगे। तो बस मैं यही वीडियो में मैसेज देना चाहती थी आप सबको कि जल्दी सो के जल्दी उठने से हमारा कुछ ऐसा हैबिट्स उसी टाइम को हम अच्छे से कैसे यूटिलाइज करके कुछ अच्छे से यूटिलाइज करके उस टाइम को हम अगर कुछ बेटर लाइफ बना सकते हैं, कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, तो हमारे साथ साथ हमारे फैमिली के लिए और सारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे आसपास के जो लोग रहते हैं सबके लिए कितना अच्छा होगा। तो सो ऑलवेज स्टे एक्टिव, सो ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। लव यू, बाय। मैं फिर मिलूँगी। और मुझे अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो जल्द से जल्द लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना स्टे विथ रिका हिंदी को, और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है tiki.gargi। बाय।